चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना लाइफ साइंस का फर्स्ट वीडियो देखे थे जिसमें हम लोगों ने उद्दीपन समझा था, उद्दीपन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने संवेदनशीलता समझा था या उत्तेजनशीलता समझा था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिचार समझा था, प्रतिचार क्या होता है, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है ये सब हम लोगों ने अच्छा से जानते उनते हैं, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है, वातावरण में होने वाले वे परिवर्तन जो किसी पौधे को बाध्य कर देते हैं कि कोई प्रतिक्रिया करे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। और जो वो प्रतिक्रिया करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचार बोलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है, यानी प्रोसेस का जो पौधा में क्षमता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता बोलते हैं। इतना हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आप देख लीजिएगा, देख के आइएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पिछला वीडियो हम लोग जब देखे थे तो पिछला वीडियो हम लोग का यहीं भी खत्म हुआ था कि अब प्रश्न उठना है। अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपन मतलब बाहरी उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन के बारे में हमने बताया था। बाहरी उद्दीपन क्या होता है, जैसे प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, स्पर्श हो गया, और आंतरिक उद्दीपन जैसे बाहू भूख और प्यास हो गया, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। यानी जो विभिन्न प्रकार का उद्दीपन होता है, यानी देखिए अभी पांच प्रकार के उद्दीपन आप लोग जनरली देख लिए, सुन लिए जो मेरे से, ये पांचों प्रकार के उद्दीपन है उसके प्रति वो कैसा पेड़ पौधा कैसा हम लोग का किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिचार करते हैं, वो सब आज हम लोग को देखना है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, प्राय पौधे का पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा पौधे को कभी चलते हुए देखे हैं, नहीं भैया हम आज तक एक भी ऐसा पौधा को चलते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पौधा होता है जो चलता है, ठीक है। लेकिन 99.9% यानी जितना ज़्यादा पौधे होते हैं, मतलब लगभग समझिए कि अगर 1000 पौधा है उसमें से एक ही पौधा, एक 1000 में से बोलना, मतलब बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। बाकी सब पौधे क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, परंतु उनके अंगों में स्थान परिवर्तन होता है। यानी उनका अंगों का जो भी होता है अंगों में स्थान परिवर्तन, तो वो कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग का यही पर एक परिभाषा बना हुआ है, उद्दीपन के प्रभाव से। उद्दीपन के प्रभाव से, उद्दीपन आप लोग जानते हैं क्या होता है, अभी समझाए हैं। यानी उद्दीपन का प्रभाव कैसे हो सकता है, जैसे प्रकाश हो सकता है हम लोग का, ऊष्मा हो सकता है, वैसे हम लोग का भूख प्यास जो भी हो सकता है, सब ले सकते हैं आप। उद्दीपन के प्रभाव से पौधे का संपूर्ण या किसी अंग को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या समझ में हम लोग का, उद्दीपन के प्रभाव से पौधे के संपूर्ण या किसी अंग की अपनी स्थिति में परिवर्तन, या तो उसका पूरा संपूर्ण शरीर ही अपनी स्थिति में परिवर्तित कर लेगा, बात समझ में आया, या उसका कोई अंग परिवर्तन होगा, तो उस का जो परिवर्तन की क्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, गति कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बाबू, गति कहते हैं। बात समझ में आई आपको, इसको हम क्या कहेंगे, गति कह देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब आगे देखेंगे अपना, अब देखते हैं। पौधों में उद्दीपन के प्रभाव से गतियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। यानी पौधों में उद्दीपन के प्रभाव से कितना तरह का गति होता है बाबू, तीन तरह का, ठीक है। मुख्यतः तीन कितना प्रकार का होता है, तीन तरह का, इसके अलावा कोई गति और नहीं पाया जाता है, ठीक। पहला गति बाबू हम लोग कौन सा है, प्रेरित प्रचलन गति, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अनुचलन गति बोलते हैं। पहला गति कौन सा होता है बाबू हम लोग का, प्रेरित प्रचलन गति। दूसरा क्या होता है हम लोग का, उसी का और हिंदी नाम क्या हम लोग का, अनुचलन गति, जिसको हम लोग टैक्टिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्टिक गति। इस नाम को आप लोग बहुत अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका हिंदी नाम तो बहुत जगह हर बुक में अलग अलग टाइप का दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश नाम सेम होता है, और कभी कभी पूछ भी देता है हिंदी में कैसे लिख देगा, टैक्टिक गति क्या होता है, बात समझ में आया। तो दूसरा हम लोग क्या होता है, अनुवर्तन गति। दूसरा क्या होता है, अनुवर्तन गति, या जिसको हम लोग ट्रॉपिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रॉपिक गति बोलते हैं, बात समझ में आया। तीसरा क्या होता है बाबू हम लोग का, अनुकुंचन गति, या जिसको हम लोग नेस्टिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टिक गति बोलते हैं। ये तीनों नाम आप लोग खास करके याद रखिएगा। यानी हम लोग पौधे में उद्दीपन के प्रभाव से कितना प्रकार की गति होती है बाबू, तीन प्रकार की गति, ठीक है। कौन सा, प्रेरित प्रचलन गति, या जिसे हम लोग अनुचलन गति बोलते हैं, या मेनली इसको टैक्टिक गति बोलते हैं, इसको टैक्टिक गति खास करके याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है हम लोग का, अनुवर्तन गति, या जिसको हम लोग ट्रॉपिक गति बोलते हैं, ठीक है। अनुकुंचन गति, जिसको हम लोग नेस्टिक गति बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसका हिंदी नाम है, और वो बाकी उसका ट्रॉपिक, टैक्टिक ट्रॉपिक और नेस्टिक, ये तीनों इंग्लिश नाम है। लेकिन कभी कभी क्या करता है हम लोग का, इसका इंग्लिश नाम ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए क्या करता है हम लोग का पेपर में भी, हिंदी मीडियम का जो पेपर आएगा उसमें भी डायरेक्ट नेस्टिक गति ही लिख कर दे देता है। तो इसलिए आप लोग इसका नाम को अच्छा से एनालाइज करके रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विशेष करके, एक एक तो हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे बाबू, प्रेरित प्रचलन गति को बस बात करेंगे हम लोग। किस बात करेंगे बाबू, प्रेरित प्रचलन गति, यानी जिसको हम लोग टैक्टिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, टैक्टिक गति। इस वीडियो में हम लोग खास करके इसी बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे ये सब देखते जाएंगे, ठीक।
चलिए देखिए आगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि प्रेरित प्रचरण गति क्या होता है, हम लोग का प्रेरित प्रचरण गति, ठीक है, या जिसको हम लोग अनुचलन गति भी बोलते हैं, या मेनली हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, वो टैक्टिक गति बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? टैक्टिक गति। जब कोई पौधा बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से स्थान परिवर्तन करता है, क्या करता है वो, स्थान परिवर्तन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाएगा। मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए कि कोई एक पौधा है विशेष करके, ठीक है, वो यहाँ पे अभी है, ठीक, अभी देखा बाहरी उद्दीपन मतलब सूर्य का प्रकाश इस पे ऊपर लगा जोर से पड़ने, अब ये क्या करेगा, भाग के यहाँ जाकर अंधेरे में छुप जाएगा। हाँ भैया ऐसा भी होता है, अभी होता है, दिखाएंगे मौसम क्या होते हैं, लेकिन जनरली ये समझिए, यानी क्या हो रहा है, बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से ये क्या किया, स्थान परिवर्तन कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्रेरित प्रचरण गति, या इसको हम क्या बुलाते हैं, टैक्टिक गति बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ कहाँ पर तामा लगा, या निम्न वर्गीय पौधा में होता है, निम्न वर्गीय पौधा जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, सवाल यानी काई हो गया, ये सब पौधों में होता है, ठीक है। यह उद्दीपन की दिशा के तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है, दिशा मतलब किस दिशा में उद्दीपन पड़ रहा है उस पर भी इसका निर्भरता होती है, यानी जैसे हम लोग का या तो प्रकाश के तरफ भागेगा या प्रकाश के विपरीत भागेगा, यानी तीव्रता, यानी हो सकता है ज़्यादा जब पड़ने लगे तो जल्दी जल्दी और गति करने लगे, या कम पड़े तो धीरे धीरे गति करे, समझ में आया, तो ये दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। और हम लोग इसमें हाईलाइट क्या करके देख लेंगे बाबू, प्रेरित प्रचरण गति को टैक्टिक गति जो भी हम लोग बोले हैं, या टैक्सिक गति बुलाते हैं, ठीक है, दोनों नाम से इसको बुलाया जाता है, तो इस सब नामों को आप एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए, ठीक, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग का जो टैक्टिक गति होता है वो देखिए अलग अलग उद्दीपन के अनुसार अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हम लोग पहला क्या देखेंगे बाबू, प्रकाश प्रेरित गति यानी फोटो टैक्टिक गति, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, फोटो टैक्टिक गति, ठीक है। अब टैक्टिक गति आप लोग समझ चुके हैं, इसमें क्या हो रहा है, बाहरी उद्दीपन के किसी बाहरी उद्दीपन के कारण पौधों का पूरा स्थान ही परिवर्तन हो जा रहा है, यानी इसमें बाहरी उद्दीपन हम लोग का कौन सा हो गया, प्रकाश हो गया, यानी जो परिभाषा देखिए क्या बोला, जब प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तित करता है, तो इस प्रकार गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश प्रेरण गति या फोटोटैक्टिक गति कहते हैं। बात समझ में आया आपको, यानी क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का जो टैक्टिक गति था वही टैक्टिक गति ही है। टैक्टिक गति का हम लोग परिभाषा क्या था वो, कि जब हम लोग का बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से जो पौधा होता है वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, और फोटोटैक्टिक में क्या हो गया, वो बाहरी उद्दीपन हमारा कौन बन गया, प्रकाश बन गया। बात समझ में आया, इसका उदाहरण कौन है वो, जैसे बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, देखिए यहाँ पे फोटो दिखाया गया आपको, ठीक है, सवाल या इसको हम लोग काई बोलते हैं, आप इंजाम में काई लिख के नहीं आइए, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिख दिया लेकिन इंजाम में मत लिख के आइए, ठीक है, सवाल ही लिखिएगा, सवाल मतलब क्या होता है, काई होता है, जो देखिए जहाँ पानी वानी बहुत गिरते रहता है वहाँ पर जम जाता है, ठीक है। काई में मंद प्रकाश की ओर गति करते हैं, ये सब क्या होता है हमारा, जहाँ धीमा प्रकाश होता है उधर भागना शुरू कर देता है, जब बैक्टीरिया भी हो या हम लोग का काई हो यानी सवाल हो, ये क्या करना है, जहाँ पे कम प्रकाश रहता है उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। बात समझ में आई आपको, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फोटोटैक्टिक या प्रकाश प्रेरण प्रचरण गति बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब उष्मा क्या होगा बाबू, आप खुद से सोचिए इसमें क्या होने लगेगा, इसमें उद्दीपन कौन सा हो जाएगा, उष्मा उद्दीपन के कारण होने लगेगा, यानी उष्मा उद्दीपन के कारण जब पौधों का स्थान परिवर्तित होने लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा प्रेरण गति यानी थर्मोटैक्टिक गति बोलेंगे, थर्मो मतलब उष्मा होता है, ठीक है। देखिए आप खुद परिभाषा आप समझिएगा, खुद परिभाषा लिख लीजिएगा आप, क्या बाबू होगा, देखिए जब उष्मा उद्दीपन के प्रभाव से, जब उष्मा उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का संपूर्ण शरीर अपना स्थान परिवर्तित करता है, तो इस प्रकार के गति को हम क्या बोलते हैं बाबू, थर्मोटैक्टिक गति कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण कौन है बाबू, जैसे उष्मा के प्रभाव से प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाता है बाबू, प्रोटोप्लाज्म वैसे न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म मिलकर बना हुआ रहता है, इसको हम लोग जब कोशिका सेकंड कोशिका डिवाइडेशन यानी सेल डिवीजन हम लोग का कोशिका विभाजन चैप्टर उसमें हम ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप जब अगर जानते हो तो आप बस समझिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर हम लोग क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, उष्मा के प्रभाव से प्रोटोप्लाज्म की गति की दर बढ़ जाती है, यानी जो गति कर रहा होता है उसका दर बढ़ जाता है। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कैलोमाइडोमोनस यानी काई का भी एक प्रकार होता है, जैसे काई होता है ना उसका 326 टाइप का काई पाया जाता है उसमें से, यानी सवाल 326 टाइप का पाया जाता है उसमें से एक है ये, ठीक है। मैं अधिक उष्मा के प्रभाव से दूर भागने लगता है, यानी जब जहाँ पर ज़्यादा इसमें उष्मा पड़ेगा वहाँ से भागना शुरू कर देगा, और ये क्या होने लगेगा, इसका गति का दर बढ़ जाएगा प्रकाश का, यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है, उष्मा के कारण हो रहा है। बात समझ में आया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बाबू, थर्मोटैक्टिक गति बोलेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बाबू हमारा,
केमोटैक्टिक, क्या मतलब का केमोटैक्टिक गति, केमो मतलब रसायन, रसायन मतलब आप लोग जानते ही है केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है, केमिकल कोई भी केमिकल, ठीक है, जब रासायनिक रासायनिक उद्दीपन के प्रभाव से, यानी इसमें क्या होने लगेगा हम लोग का रासायनिक उद्दीपन होगा, इसमें बाहरी उद्दीपन कौन कार्य कर रहा हो, रासायनिक उद्दीपन, जब रासायनिक उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तित करता है तो इस प्रकार के गति को हम लोग क्या बोलते हैं, केमोटैक्टिक गति बोलते हैं। ये इसका उदाहरण कौन है बाबू, मैलिक एसिड के प्रभाव से फन के शुक्राणु डिम्बाणु के की ओर गति करते हैं, ठीक है, यानी फन देखिए ये पौधा होता है हम लोग का, फन का पौधा होता है, ठीक है, इसके जो शुक्राणु होते हैं हम लोग का किसके वजह से, मैलिक एसिड के प्रभाव से, यानी क्या हो गया हम लोग का, ये केमिकल हो गया, यानी एक रसायन हो गया, इस रसायन के प्रभाव से किसके किधर गति कर ले हम लोग का, डिम्बाणु की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, केमोटैक्टिक गति हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें रसायन का कार्य कर रहा है, बात समझ में आया, चलिए ठीक है। तो ये देखिए एक और आपको हम इसका खैर फन का अच्छा फोटो दिखा दे ताकि आप लोग को समझ में आए, देखिए ठीक है, ये देख आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टैक्टिक गति को बहुत अच्छा से समझ लिया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टैक्टिक गति को बहुत अच्छा से समझ लिया, ठीक है, हम इसको जानबूझ के आपको छोटा छोटा अलग अलग करके पढ़ा रहे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा ट्रॉपिक गति पे, और उसका नेक्स्ट में हम लोग नेस्टिक गति खत्म करके ये 1.8 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा, आप नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद से इसका PDF वगैरह डाउनलोड कीजिएगा और इसका PDF को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा से इसको डिजाइन किया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। आप बुक में देखिएगा कुछ कुछ इसके अलावा भी बातें लिखी रहती हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने आपको याद करने की सुविधा के लिए इसको शॉर्ट करके जितना अच्छा समझा सकता था वैसा हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अपना ट्रॉपिक गति क्या होता है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।